चमत्कार हो रहा है। ये अंकल जी जो आए हुए हैं, इनके पैरों में दिक्कत है महाराज जी, खड़े नहीं हो पा रहे थे अभी तक। हाँ, खड़े नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, क्या दिक्कत है इनको अंकल जी को? कैंसर की दिक्कत है। अच्छा, जय श्री श्याम। पीछे का नजारा देख के आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ आ गया हूँ, बाबा खाटू श्याम के दरबार। और आज मैं देखूंगा कितने श्याम भक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं। जो जो मेरी वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, वो सच्चा श्याम भक्त माना जाएगा। और आपको कसम है, आज बिना सब्सक्राइब करे आगे नहीं जाएंगे। और आज अभी तक मैंने चमत्कार दिखाए, आज मैं लाइव चमत्कार दिखाऊंगा और ऐसे कुछ लोगों से मिलवाऊंगा जिनके चमत्कार साथ हुए हैं और वो ठीक हो गए हैं। रिव्यू लेने आया हूँ कि वाकई में सच में सही हो रहा है, सब लोग ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आइए चलते हैं आगे वीडियो में। जय श्री श्याम। एक बार जयकारा लगाएंगे, जय श्री श्याम। कहाँ से बता रहे भैया? बरेली से भैया। अच्छा, क्या दिक्कत है इनको अंकल जी को? कैंसर की दिक्कत है। अच्छा, तो ऑपरेशन हो चुका है? ऑपरेशन हो चुका है। तो फिर क्या दिक्कत है? ऑपरेशन के बाद तो ठीक हो जाते हैं ना? ऑपरेशन में भी पूरा तरीके सही नहीं हो पाया, टाके खुल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं। तो महाराज जी ने देख लिया? महाराज जी ने देख लिया। हाथ रखने के बाद में कुछ अच्छा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे? हाँ। अच्छा, तो कितना भरोसा है बाबा पे? बहुत भरोसा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंकल जी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और पहले की कई वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ कैंसर के पीड़ित यहाँ पे आके जो लास्ट स्टेज पे थे, जब हर कोई हाथ खड़े कर देता उस टाइम वो सही होके गए हैं। उनकी मैंने वीडियो डाल रखी है रिव्यू की, जिन लोगों ने खुद अपने आप मुंह से बताया कि उन्हें कैंसर था, वो ठीक हो गए हैं। और आज एक फिर से एक कैंसर के अंकल जी, इनको कैंसर था, इनका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में डॉक्टरों से फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो ये बाबा श्याम के शरण में आए हैं और महाराज जी ने इन्हें जल पड़ के दिया है, हाथ रखा है और इन्हें अब भरोसा हो गया है कि वो ठीक हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। जैसा कि देख पा रहे हैं इनके गाल में कैंसर था, अंकल जी के पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। हाँ, हैं पापा सही हो जाने चाहिए। अच्छा, पापा ठीक हो जाएंगे आपके, बस श्याम पे जो भरोसा करता है, हाँ जो आ जाता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। एक बार जयकारा लगाओ तेजी से, बाबा श्याम की, तीन मार धारी की, नीले घोड़े वाले की, मनोना धाम की। कि देख पा रहे हो ये बहन बिल्कुल चल नहीं पा रही हैं और ये बता रही हैं कि ये तीसरी बार आई हैं, पहले दो बार और आ चुकी हैं और इन्हें काफ़ी फायदा महसूस हुआ है पहले से, इसीलिए बाबा के दर्शन करने जा रही हैं। ये बदायूं से आई हैं, मम्मी और इनकी बहन साथ में आई हैं। जय श्री श्याम। कहाँ से आई हैं आंटी जी आप? बदायूं से। अच्छा, क्या दिक्कत है इन्हें? पैरों में दर्द है। अच्छा, पैरों चल नहीं पाती हैं। अच्छा, खुद से खड़ी नहीं हो पाती हैं? तो महाराज जी ने देख के क्या बोला? महाराज जी ने देख लिया? हाँ देख लिया। हाथ रखा महाराज जी ने? हाथ रख दिया। तो कुछ महसूस हुआ कि यहाँ फायदा होगा? हाँ हो रहा, थोड़ा फायदा। अच्छा, फायदा महसूस हो रहा है? पहली बार आई हो? नहीं, तीसरी बार आए। अच्छा, तो फायदा महसूस हुआ जब भी तो आई होगी? अच्छा, तो बाबा पे भरोसा है पूरा? बहुत ज्यादा भरोसा है। तो यहाँ आने के बाद में मुझे तो लगता नहीं होगा खाली हाथ जाता हो, बहुत चमत्कार लड़की। हाँ, तो मेरे सामने बहुत लाइव चमत्कार हो चुके हैं, जो इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में आते हैं वो भी ठीक होके जाते हैं। अच्छा, एक बार बाबा का जयकारा लगाएंगे, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। यहाँ पे बारी बारी से महाराज जी, यहाँ के महंत जी हैं, वो जो ज्यादा इमरजेंसी में जो लोग मरीज आए हुए हैं उनको बारी बारी से गाड़ियों में जा जाके खुद स्वयं देख रहे हैं, जो चलने में असमर्थ हैं उनके पास महाराज जी जाके उन्हें जल करके देते हैं और महाराज जी मरीज को तुरंत देखते हैं जाके, उसके बाबा श्याम के चरणों में अरदास देके उन्हें जल पड़ के देते हैं, जिस जल की वजह से पीने के बाद में मरीज तुरंत स्वस्थ हो जाता है और जो चलने में असमर्थ होते हैं महाराज जी उन्हें तुरंत सबके सामने लाइव चढ़ के चला के दिखाते हैं। जय श्री श्याम। ऐसे चमत्कार मैंने अपनी आंखों से होते हुए आज तक नहीं देखे हैं, जैसे चमत्कार मैंने यहाँ पे आके देखे हैं। लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं आने के बाद में। जय श्री श्याम। अरे महाराज जी तो पीछे, कम से कम पीछे नहीं हट रहा है, जरा थोड़ा सबर कर, थोड़ा पीछे हटो। भाई साहब जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाइव चमत्कार हो रहा है यहाँ पे। अंकल जी जरा साइड हो जाओ, वीडियो बना लेंगे। चलो साइड हो जाओ, आप साइड हो जाओ। आंटी जी जो पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, वीडियो बना दो। दादा थोड़ा इधर साइड हो जाए जरा सा, पीछे पीछे पीछे।
दर्शन कर लेंगे। अरे दर्शन अंदर कर लियो, वीडियो बन जान दे आंटी जी। भैया पीछे हट जाओ, पीछे घेरा बना ले, घेरा दूर तक बना ले यार। पीछे उधर वाले पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ। नहीं बाबा पीछे हट जाओ, दिखा तो दिया आपका मरीज और क्या करोगे। अरे हाथ तो रख दिया आपका, क्यों परेशान हो रहे हो। हाथ रख दिया तो समझ लो सही है। सही है, अरे तो धक्का दूसरे को मार मार कर लगा। अरे अंदर चला के कैसे दिखाएंगे फिर, जगह नहीं दोगे तो पता नहीं, समझ नहीं है। लाइव चमत्कार हो रहा है, ये अंकल जी जो आए हुए हैं इनके पैरों में दिक्कत है महाराज जी, खड़े नहीं हो पा रहे थे अभी तक। हाँ खड़े नहीं हो पा रहे थे और अब बाबा जी महाराज जी ने जैसे ही हाथ रखा है खड़े हो गए हैं अब, और अभी आपके आंखों के सामने बिल्कुल लाइव चला के दिखाएंगे महाराज जी। अभी जो इंसान खड़ा नहीं हो पाता अपने पैरों पे, वो यहाँ से यहाँ आने के बाद में दौड़ता हुआ जाता है। यही इस मंदिर की खासियत है। किसी भी मंदिर पे आज तक आपने लाइव चमत्कार होते नहीं देखा होगा, सुना तो होगा वहाँ जाने से ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, लेकिन यहाँ इस मंदिर पे बिल्कुल लाइव चमत्कार होते हैं सबके सामने। ये नहीं कि अकेले में बुला के कर दिया। अरे यार एक सेकंड रुक जा, कहाँ से आए भैया? मेरा गांव है ऊंचा गांव, तहसील जावा जिला रामपुर। अच्छा तो क्या दिक्कत है आपके साथ? इनका एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा। पहले से ही काम नहीं करता था या बाद में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से? 10-11 महीने हो गए। अच्छा तो डॉक्टरों ने क्या बोला है? डॉक्टरों ने बताया सिर पर खून जम गया था। अच्छा कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया? ना ना कुछ ना, रात में सो रहे थे, सोते सोते हो गया। अच्छा अचानक में। अच्छा तो आपको मंदिर के बारे में कैसे पता लगा, यहाँ कैसे मतलब आए? हमारे गांव से काफी लोग आए। हाँ उन्होंने जानकारी दी। तो उन लोगों का भला हुआ? और वहाँ कुछ का भला हुआ। अच्छा तो यहाँ पे मतलब ऐसे आपको आने के बाद में ऐसा कुछ महसूस हुआ कि भला होगा, भरोसा? हाँ, है भरोसा है तभी। अच्छा, तो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा तो गांव के लोगों ने बताया, उसके बाद में आप इनको दिखाने के लिए लेके आए हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया मतलब? हाँ डॉक्टरों ने मना नहीं किया, डॉक्टरों को ये कहा कि पता नहीं कब तक चल पाए। अच्छा तो यहाँ पे तो बाबा बताते हैं, जो मैंने कई सारी वीडियो देख रखी हैं, लोग एंड टू एंड बाबा जी चला के मतलब दिखाते हैं, लाइव चमत्कार होते हैं, तो उसी वैसे मतलब वीडियो देखी होंगी आपने? हाँ वीडियो देखी। अच्छा और गांव वालों ने बताया उसके बाद में यहाँ पे आना हुआ है, तो एक बार बाबा श्याम का जयकारा लगाएंगे जोर से, और जल्दी से जल्दी आपके ये कौन है, पापा है जी? पापा। हाँ जल्दी से जल्दी इनका मतलब सही हो जाएंगे, एक बार जयकारा लगाते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, मनोना धाम की जय। हाँ भैया कब से आपकी शॉप है यहाँ पे? 5 महीने हो गए सर। 5 महीने हो गए। अच्छा क्या बदलाव जीवन में मतलब महसूस किया आपने यहाँ आने के बाद, बाबा श्याम की शरण में आने के बाद कोई जीवन में बदलाव आया? बिल्कुल सर आया। क्या महसूस कर रहे हैं आप? महसूस किए इससे पहले काफी भीड़ बहुत कम थी, अब तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है। नहीं आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? कुछ बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आगे दुकान खोल के, अच्छा लगता है। अच्छा पूरा दिन। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले सर हम बैली रहते थे, जब से दुकान खोली जब से यही लगता है यहीं आते रहो। अच्छा यहीं रहो, जीवन अच्छा चल रहा है। बस बस। अच्छा कैसे क्या अच्छा मतलब चमत्कारों के बारे में आप वीडियो रोज वायरल हो रहे हैं कि यहाँ पे रोज चमत्कार होते हैं? चमत्कार तो होते हैं, सच में होते हैं मतलब सामने सबके। आप थोड़ी देर रुकिएगा, एक आध देखो बस, शायद उधर चमत्कार हो भी रहे हैं, वो तो सामने देखिएगा। अच्छा अच्छा तो तुम्हारे सामने कभी चमत्कार हुआ ऐसा कि कोई जैसे मतलब वीडियो में जैसे हम देखते हैं कि चल नहीं पा रहे हैं लोग, वो चलने लगते हैं, ऐसा वाकई में होता है? बिल्कुल भैया, समझो वीडियो में जैसा देख रहे हैं ना बिल्कुल सेम वैसे। अच्छा। जो नहीं चल पाते हैं यहाँ के, समझो वो घर पे उठते नहीं है, यहाँ के पैदल चलते हैं वो। अच्छा जो घर पे उठते नहीं है चलते हैं, जो घर पे उठ नहीं पाते हैं वो भागते हैं। चलो एक बार जयकारा लगाओ, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।